शपथ खाई थी कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। लेकिन आज इस मुश्किल गरीब वक्त में आप सब ना उम्मीद होकर वापस लौटना चाहते हैं। नहीं, सरहदें तो बहुत फैला दी, अब बाहें फैलाते हैं। एक आखिरी जंग जिसे जीतने के बाद रानी पद्मावती हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। रानी पद्मावती ने भी ठान लिया था कि वो दुश्मन के स्थान पर जौहर को गले लगाएंगी। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी। ये लड़ाई हम शत्रानिया लड़ेंगे। हम दुश्मन की जगह जौहर को गले लगाएंगे। जिस पवित्र अग्नि को साक्षीमान हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी, आज उस पवित्र अग्नि को हम फिर से जलाएंगे और सौंप देंगे अपने आप को उस आग में। हमारे शरीर को पानी की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। हम राख हो जाएंगे पर अमर रहेगी राजपूती शान। हमारे उसूल हमारा स्वाभिमान जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। Thank you.